कोरोना संकट और लॉकडाउन का असर अब रक्षा सौदों पर भी पड़ा। रक्षा मंत्रालय की ओर से तीन सेनाओं ने अपने आधुनिकीकरण के लिए किए जा रहे रक्षा सौदों को फिलहाल रोकने के लिए कहा है। मंत्रालय का कहना है कि कोविड-19 की वजह से बजट में कटौती को देखते हुए हमने ये फैसला किया। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि सेना, नौसेना और वायुसेना से कहा है कि जब तक देश में कोविड-19 की स्थिति बनी रहती है तब तक वो अपनी पूंजी अधिग्रहण प्रक्रिया रक्षा डील को रोक दे। तीन सेनाओं से सभी रक्षा सौदों पर रोक लगाने के लिए कहा गया है जो विभिन्न चरणों में हैं। तीनों सेनाएं अपनी आधुनिकीकरण के लिए कई रक्षा सौदों को कर रही है जो कि विभिन्न चरणों में हैं। भारतीय वायुसेना फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान और रूस से S-400 वायु रक्षा हथियार प्रणाली के लिए भुगतान करने की प्रक्रिया में है, जबकि सेना भी अमेरिका और रूस सहित विभिन्न देशों से टैंक, आर्टिलरी गन और असॉल्ट राइफल भी ले रही है। वहीं नौसेना ने हाल ही में अमेरिका से 24 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब सभी रक्षा डील को रोक दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि डील को कैंसिल कर दिया गया, बल्कि डील के आगे की प्रक्रिया को रोका गया है। स्थिति सामान्य होने के बाद डील को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।